मामला जी कोई मामला नहीं है। हम जैसे रात में गाड़ी यहाँ नॉर्मली गाड़ी आती है, यहीं खड़ी होती है रेडीली। ठीक है। तो रात को कुछ लड़कों ने, मतलब अपनी कॉलोनी के लड़कों ने कहा गुरु पी के रात में नशे में, मतलब अपने लड़ाई आपस में मस्ती में नशे में मेरी गाड़ी तोड़ के चले गए। आपका तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था? हमारा कोई लड़ाई झगड़ा कोई मतलब किसी के साथ कोई पहले कुछ नहीं जी। तो इसकी कंप्लेंट आपने दायर की है? हमने कंप्लेंट उसी टाइम से, हमें सुबह अगले दिन सुबह पता लगा, रात को 2 बजे इन्होंने तोड़ा है। तो सुबह हमें जैसे पता लगा, मैंने पता लगते ही मैंने कंप्लेंट करवाई 112 पे। PCR आई थी, PCR के थ्रू फिर प्रेमचंद जी एज पर जो उनके मतलब इस पर लगे हम। कौन से थाने में? 7 नंबर चौकी। सात नंबर थाने में प्रेमचंद जी है वो, इस पर जो अप्लाई। वो आए थे मौके पे? मौके पे आया, गाड़ी देख के गए हैं। और इसी टाइम सेम टाइम पे हमारी गाड़ी और एक वहाँ पे एक और गाड़ी है, दो गाड़ी तोड़ी इन्होंने इसी गली मोड़ मुड़ते। मतलब एक ही रात को? एक ही रात में सेम टाइम पे। अब मेरे कैमरे में मेरे वहाँ घर रहा, वो घर से कैमरा मेरे यहाँ बकाया था, इस कैमरे में भी आई है वीडियो और उधर वो कैमरे में उनकी फुटेज भी आई है। उसमें फुटेज आई है तोड़ते हुए दोनों की। क्या मांग करते हो आप? मांग कुछ नहीं सर, हमारी गाड़ी जो तोड़ी हमारे तो नुकसान है वो भरवाई करवा दें। 2 दिन हो गए प्रेमचंद जी को फोन पर फोन कर रहा हूँ, वो भी मतलब कि इधर से उधर नारे लगवा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे उसकी। मैंने दरखास्त लिखवाई है, दरखास्त की कॉपी मेरे पास है। मेरे ना 14 तारीख के रात में यहाँ गाड़ियाँ खड़ती है। ठीक है। गाड़ियाँ तोड़ गए। ठीक है। हमें सुबह 6:30-5 बजे जब मैं उठी, पूजा था हमारे घर में। हाँ जी। जब उठी तो मुझे पता लगा, गाड़ी देखी एक टाइम में सेम डेट में 2 गाड़ियाँ तोड़ी गई मोहल्ले में, थोड़ी ही दूर दूर पे। ठीक है। हमारे अपने कैमरे में जी आए, उनके कैमरे से भी बंदे आए हुए हैं। ठीक है। उनके कैमरे वाले को उन्होंने कहते कि दे दो, हम उनको दे दिया पैसा कि केस उठा लो। हमने केस किया, हमें कहते हमने नहीं देना, हमने नहीं तोड़ दिया। ठीक है। चलो हमने बैठे, हमने कंप्लेंट की हुई है कानून के दायर से। अभी एक लड़का अमित नाम का, हाँ जी, अभी पैसा ट्रांसफर कराने दुकान पे आया था। हाँ, वो दुकान पे आके कहता मैंने 10 रुपये बाद में देना, पिया खाया था। मैंने कहा भैया इस तरह उधार बटे हम नहीं करते। उसने माँ बहन दी गाल काटी। मैंने कहा गाल काटने दी मतलब की है तेरा, काम कर ले, पैसे लेना तो पैसे दे, तब फिर पैसा ले। कहता मैंने गड्डी तोड़ती ना फिर भरवा के दिखाओ, मतलब मानना उन्होंने की गड्डी तोड़ती है। कहता मैंने तुम्हारी ऑटो तोड़ती ना फिर मेरे से भरवा के दिखा दो। इसकी कैमरे की फुटेज भी आपके पास दुकान के आज की? जी हाँ, हमारे कैमरे में फुटेज भी, दुकान पे भी 10 मिनट पहले बोल के गया। मतलब एक तरह खुद मान रहे हैं? हाँ, वो खुद मान रहे हैं। अब ये नहीं पता उनके साथ में कौन कौन मिल के तोले, लेकिन अमित नाम का लड़का है वो अभी कबूल के गया मेरे दुकान से, मेरे कैमरे से फुटेज भी है। आप क्या मांग करते हो अभी? सर मैं कुछ भी मांग नहीं करती, क्योंकि मेरी कोई रंजिश नहीं, मेरी को गाड़ी बनवा के दे, मेरे दिहाड़ियाँ टूट रहे हैं, मेरी नुकसान हो रहा है, हम मजदूरी करके कमा के खाने वाले बंदे हैं। किसी तरह की दुश्मनी तो पहले तो नहीं? कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई सर, कोई झगड़ा नहीं। आज पता नहीं क्यों मतलब में बोल गया, मेरे को नहीं समझ में आ रही। खड़ी गाड़ी को तोड़ दिया? बिल्कुल खड़ी गाड़ी को, रात में 12:30 बजे ड्राइवर लेके आया, गाड़ी खड़ी करी है, और अच्छा भला गाड़ी को 2:19 में उन्होंने तोड़ी, कैमरे के फुटेज है सारा। धमकी वगैरह दे रहे हैं क्या? परसों सुबह ना उनसे बात करने की कोशिश करे लड़के से जिन्होंने तोड़ी है गाड़ी, फोटो में जो आ रहे हैं, कहते हमने नहीं तोड़ी है। जे हमारे घर पुलिस आ गई ना तो सारी गाड़ियाँ पंदे नहीं हूं, तो एक पन्नी गई है सारी गाड़ियाँ पंदे नहीं है। सर मेरी 4 गाड़ियाँ खड़ती है, मुंडा मेरा अकेला है, मैं इनामे लड़ नहीं सकती, मुझे पुलिस बोलो इंसाफ चाहिए। पुलिस 3 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं कर रही, हमें कह रही है कि आप बंदे देख के, मैं जो उन्होंने देख के जाऊँ देखा जाए जो वहीं ढा ले हमें कौन बचाना आएगा सर। इस तरह से मेरे को प्लीज रिक्वेस्ट मी कि मुझे मेरे बच्चों को सुरक्षा चाहिए, हम कमा खा के कमाने वाले बंदे हैं, हमें इन लोगों से लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे अपनी गाड़ी दी बनवाई चाहिए बस। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ 15-16 ਦੀ 14-15 ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਜਰਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ? CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਜੋਸੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।